हेलो एवरीवन, वेलकम टू आमिर सदा व्लॉग्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हमारे यहाँ अब्रीश और आयशा जो है अभी न्यूली वेडेड कपल्स, वो आए हैं फेशियल ट्रीटमेंट के लिए। वैसे तो हम जेंट्स का नहीं करते, तो ये अब्रीश सिर्फ उनके साथ आए थे, ट्रीटमेंट आयशा का हुआ है। इस वीडियो में आप लोगों को इन लोगों की प्यारी सी नोकझोंक और कौन सा ट्रीटमेंट हुआ, उनका रिव्यू और फेशियल की सारी ट्रीटमेंट की डिटेल्स, जो एक एक चीज़ के डिटेल्स मशीनरी के साथ हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और इनका रिव्यू दिखाएंगे। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने पहले इनका क्लीनअप किया था, फेस क्लीनिंग की थी, कि सिर्फ डिसाइड करने के लिए कि प्रॉपरली इनके फेस पर कौन सा ट्रीटमेंट सूटेबल रहेगा, कौन सा ट्रीटमेंट अच्छा जाएगा। इनकी फेस को क्लीनिंग प्रॉपर करने के बाद हम लोगों ने इनका प्रीमियम फेशियल डिसाइड किया है, फॉर डिहाइड्रेशन के लिए, और जितना एक्सेस ऑयल मटेरियल है वो सारी चीज़ें भी रिमूव हो जाएगी, और इनको जिसके अभी आप सब जानते हैं कि ये लोग बाहर जा रहे हैं, तो अच्छे ग्लो के लिए, अच्छे बेटर रिजल्ट्स के लिए हम लोग प्रीमियम फेशियल्स कर रहे हैं। फेस डिटैनिंग के बाद हमने इनके फेस पर एक्सफोलिएटर किया था, ताकि इनका पोर्स जो है डीपली अच्छे से क्लीन हो जाए, और उसके बाद हमने इनको स्टीम दिया था। स्टीम देने के बाद हम प्रॉपरली ब्लैक हेड्स वगैरह जो भी उनके थे फेस पर, वैसे तो ज़्यादा नहीं थे, तो जो ब्लैक हेड्स वगैरह थे वो रिमूव किया, और इनका एक एक्सपीरियंस था कि इनको कोई भी चीज़ करने का कभी भी रिजल्ट नहीं आया है। सो हमने मीनवाइल इन्हें अश्योरिटी दी थी कि इस बार आपको फेशियल का प्रॉपरली रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हम अभी जो कर रहे हैं वो ये हाइड्रा है, हाइड्रा फेशियल से प्रॉपरली सीरम्स जो है अंदर तक इन्फ्यूज़ होता है, और जो अंदर की डेड सेल्स और डेड स्किन और जितने भी डर्ट इम्प्योरिटीज़ होती है वो इजीली क्लीन हो जाती है। इसके बाद हम जो ये इन पर करेंगे वो ये था आरएफ ट्रीटमेंट, जिसकी वजह से पूरे फेस का स्किन टाइटनिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इन्होंने बाद में बताया कि इनकी स्किन बहुत ज़्यादा टाइट और अच्छी फील हो रही है। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप लिफ्टिंग है, ये ज़्यादातर हेल्पफुल होता है डबल चिन के लिए, अंडर आई के पास जो रिंकल्स होते हैं और ऑल ओवर फेस पे जो भी रिंकल्स होते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है हमारा डर्मा प्लानिंग, इससे फेस के एक्सेस हेयर जो है वो रिमूव हो जाते हैं, तो फेस बहुत ज़्यादा स्मूथ और शाइनी भी दिखता है। और आगे की फेशियल का जो रिव्यू है वो आपको आयशा शेयर करेंगे कि उनको ये फेशियल का कैसा एक्सपीरियंस था, उन्होंने क्या फील किया है, और अभी उनको कैसा लग रहा है, और नेक्स्ट आगे ये सिटिंग कंटिन्यू करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। फिर हमने इनका फेस का रिलैक्सिंग मसाज किया, उसके बाद हमने इन्हें रेड लाइट LED थेरेपी दी, उसके बाद इनका जो था फिर से मसाज किया गया 2 मिनट के लिए, और उसके बाद हमने इन्हें क्ले मास्क अप्लाई किया। क्ले मास्क लगाने के बाद सन प्रोटेक्शन क्रीम लगा के हमने ये प्रोसेस को स्टॉप किया, और साथ ही साथ हमने इनकी एक रिक्वेस्ट थी कि इन्हें अंडर आई पील ऐड करना है फॉर डार्क सर्कल्स, तो हमने प्रीमियम फेशियल के साथ इन्हें अंडर आई पील ऐड की। उनका भी उस चीज़ का भी रिज़ल्ट आयशा को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव लगा, जो कि बट अभी एक ही सिटिंग में हर चीज़ का रिज़ल्ट नहीं आता है, और इनको नेक्स्ट 4 से 5 सिटिंग ये हमारे यहाँ से कंटिन्यू करने वाले, जैसे कि आप प्रीव्यू में आगे देख सकते हैं उनका रिव्यू उन्होंने क्या दिया था। और आयशा और अब्रीश रियल में बहुत अच्छे और बहुत क्यूट कपल है। आप हंसा ले लो, जो आपने अभी किया प्रीमियम फेशियल का रिजल्ट बहुत 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 अच्छा लगा। मेरी स्किन बहुत टाइट भी फील हो रही है, प्लम्पी लग रही है, और ग्लोई भी हो गई, तो उसके लिए थैंक। ऐसे जल्दी इफेक्ट पता नहीं चलता मेरे फेस पे, बट आपका रिव्यू है कि इन्होंने आज तक जो भी फेशियल या ट्रीटमेंट करवाया है इनको प्रॉपर कभी रिजल्ट आज तक दिखा ही नहीं है, तो इनको प्रीमियम फेशियल से काफी अच्छा रिजल्ट लगा, तो ये अभी नेक्स्ट 6 सिटिंग्स के लिए अभी यही कंटिन्यू करेंगे। पक्का ठीक है, थैंक यू।